Hello friends, how are you? My name is Rohit. So today finally I'm with this video of related to Indian economy. And देखो guys, ये video काफ़ी ज़्यादा मुझे students comment कर रहे थे अगर आप इसके related video बनाते so काफ़ी ज़्यादा boring topic होता है ये अगर हमें proper ना बताओ how to study. So इसलिए मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी सी help कर पाऊँ अगर मेरे लिए हैप अगर हो सकता है तो that's the reason I'm uploading this. देखो स्टार्ट करने से पहले इंडियन इकॉनमी बेसिक पता होना चाहिए कि क्या है, इकॉनमी होती क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं. इंडियन इकॉनमी ये हो गई कि हम सिंपल वे में समझेंगे कि क्या है इंडियन इकॉनमी. लाइक आपकी कंट्री में कोई प्रोडक्शन हो रही है, उसकी कंजप्शन हो रही है, तो वो ये पूरा प्रोसेस एंड फ्लो ऑफ मनी, मतलब पैसा कितना आ रहा है, कितना कंट्री में जा रहा है, तो ये सारा प्रोसेस जो ये सारा हम इसको इंडियन इकॉनमी के एंट्री देखा जाता है. बस इतना से याद रखो, डेट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है. तो बाकी ये मैंने टॉपिक वाइज लिया हुआ है कि देखो मेरे पास जो मैंने आई थिंक आपसे शेयर किया था, एक पीडीएफ शेयर किया था जिसमें सारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं. लाइक जैसे आप इकॉनमी स्टार्ट करते हैं तो ओवरऑल आप कोई बुक ले लो तो उसमें इकॉनमी के रिलेटेड कुछ भी होगा, मतलब एमसीक्यूज वगैरह. बट जो मेरे पास पीडीएफ था मैंने आई थिंक शेयर भी किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना उसका. तो वो था कि आप उसको टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यूज हैं. तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया है, इस पर भी मैं बाकी वीडियोज भी अपलोड करूँगा. फर्स्ट हमारा जो नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी बेसिक्स जो पता होने चाहिए हमारे कंसेप्ट किसने दिया था कि ये सब कुछ, तो इस टॉपिक में मैंने ये किया. होप सबको अच्छा लगेगा. अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले, बाकी अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से, तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ. तो कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे पता होगा मैं बता दूंगा. देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया हैज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी. तो जो इंडिया हैज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, ये हमारी आ गई मिक्सड इकॉनमी. देन थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्सड इकॉनमी. मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है मिक्सड इकॉनमी. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ मतलब इन जब इंडिया ने कौन से सॉरी ऑप्टेड फॉर मिक्सड इकॉनमी, ये तब किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब हुई थी 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब इंडिया ने अडॉप्ट की थी मिक्सड इकॉनमी. सॉरी एक सेकंड में चार्ज लगा ही लेता हूँ अदरवाइज डेड हो जाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सड इकॉनमी हो गई को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. नेक्स्ट देन ये था हु रोट द बुक प्लान्ड इकॉनमी फॉर इंडिया. तो ये कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था एंड इन्होंने बुक लिखी थी इस पर प्लान्ड इकॉनमी ऑफ इंडिया, तो एम विश्ववार्य. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन. तो दिस वॉज सेटअप इन 1952. देन नीति आयोग इज अ प्लानिंग ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर. तो ये न्यू जो फ्रेमवर्क किसके लिए है, ये 5 ईयर्स प्लान जो चल रहे थे उनके लिए. एंड जो ये स्टार्ट हुआ था नीति आयोग, ये हुआ था 1 जनवरी 2015 में. ये क्वेश्चन आ गया. एंड इसका फर्स्ट चेयरमैन अरविंद पंगारिया कुछ इस टाइप है, अरविंद पंगारिया यही नाम उनका जो फर्स्ट चेयरमैन था नीति आयोग का. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग. ये भी वही थे, यही में एम विश्ववार्य जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया वाज मेड बाय, ये इनका भी ये सेम आंसर एम विश्ववार्य. देन नेक्स्ट है, इन विच ईयर प्लान 5 ईयर प्लान ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड. तो जो फर्स्ट ईयर प्लान था उसमें ग्रोथ ईयर जो टारगेट एक्सीड हो गया था, मतलब जितना था उसके ज़्यादा ही हो गया था. देन इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. देन स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई. प्राइम मिनिस्टर थे एंड रोलिंग प्लानिंग सॉरी आगे हो गया. रोलिंग प्लानिंग वो था कि जब 5 ईयर प्लान चल रहे थे तो बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जो प्लान वगैरह फेल हो रहे थे, तो उसके बाद भारतीय जनता दल पार्टी थी उन्होंने रोलिंग प्लान बनाए थे, मतलब ईयर बाई ईयर वो देखते थे उसको, देखते थे कि सर्वे करते थे कि क्या कहाँ पे कमी है, उसके अकॉर्डिंग न्यू ईयर प्लान फिर से एक ईयर का प्लान फिर से डेवलप करते थे. बट वो फाइनली फिर 2 साल बाद फेल हो गया था. देन उसके बाद फिर 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, वो रोलिंग प्लान वो थे. देन उसके बाद द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर बिल्हाई एंड रोकिला वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. तो ये सारे स्टील प्लांट्स ये जब एस्टेब्लिश हुए थे ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर फाइव ईयर प्लान.
देन नेक्स्ट है जो सेकंड ईयर फाइव ईयर जो प्लान था उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दी गई थी, तो ये स्ट्रेस सबसे ज़्यादा थी इस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। एंड जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ तो 1951 से, तो ये भी क्वेश्चन आ सकती है फर्स्ट वाला कब से कब था, तो 1951 से 1956 तक था फर्स्ट वाले। ये सेकंड वाले पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थी एंड फर्स्ट वाला जो था सबसे उनका जो मेन टारगेट था वो एग्रीकल्चर एंड पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, होप सो आपको अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चंस। एंड ये फर्स्ट टॉपिक है इंडियन इकॉनमी, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी में जो ये 10-12 MCQs थे इंपॉर्टेंट। इसके पास आई थिंक मेरे पास 250 तक के सारे MCQs हैं, मैं टॉपिक वाइज अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो फर्स्ट वीडियो में इतना ही, होप सो एक्सपेरिमेंटल है, आई होप आपको अच्छा लगे, अच्छा लगा तो कमेंट करके लाइक करना और मुझे बताना, देन आई विल फर्दर अपलोड मोर वीडियोज रिलेटेड दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। सो डैट्स ऑल, ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।